देयर आर हाई चांसेस कि आप जो मूवी एक्सपीरियंस कर रहे हैं थिएटर में वो एक झूठ है। ऐसा हो सकता है आप आईमैक्स के पैसे दे रहे हैं फिर भी आपको आईमैक्स की मूवी एक्सपीरियंस करने नहीं मिल रही है। मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या होता है। सबसे पहले आईमैक्स की मूवीज जो होती है वो 70 mm में शूट हुई होती है। इसका मतलब है उसके कलर डेप्थ यानी 10 bit 8 bit कलर ज्यादा एक्यूरेट होंगे और वैरायटी ऑफ कलर्स आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। सेकंड थिंग इज कि यहाँ इंडिया में 35 mm की जो स्क्रीन होती है 35 mm की जो ज्यादातर प्रिंट्स होती है मूवी की उन्हें डिजिटली क्रॉप कर दिया जाता है और 1:1.43 के रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है और उसे एक आईमैक्स थिएटर में चला दिया जाता है। आईमैक्स के लिए डेडिकेटेड स्क्रीन्स होती है जहां पे आईमैक्स कंपैटिबल स्क्रीन्स होती है जो 10K से लेके 18K तक की क्लैरिटी और रिजोल्यूशन दे सकती है। और एक दूसरा वर्जन होता है जिसे कहते हैं लाइमैक्स। लाइमैक्स वही टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में 90% ऑफ द PVR सिनेमाज में भी आपको देखने मिलेगी जहां पे एक नॉर्मल मूवी जो एक नॉर्मल कैमरा से शूट हुई है उसे कन्वर्ट किया जाता है एक आईमैक्स वर्जन में। आईमैक्स को शूट करना बहुत डिफिकल्ट है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन या फिर डंकर्क ये सारे मूवीज जो है वो आईमैक्स में शूट हुई है। उनके कैमराज भी 100 से 200 kg तक के आते हैं। मैं हूं आशीष सैनी, ये बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी।